बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 8। उसके अंदर हम पढ़े थे, पहले हमने प्लांट्स का पढ़ा कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स किस तरह पूरे करते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बाद ये दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर प्लांट्स अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने मिनरल्स, अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे अगर नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, उनको फर्टिलाइज़र दिया जाता है, उनको क्या दी जाती है, खाद दी जाती है, उनको फर्टिलाइज़र दिया जाता है। और दूसरी, ये फर्टिलाइज़र है क्या, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल कंपाउंड, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हम प्लांट्स को दें, प्लांट्स को प्रोवाइड करें, और प्रोवाइड करने के बाद उनसे हम डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकें, कि प्लांट्स के अंदर जिस चीज़ की हमें जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कि हमें, हम कहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स हों, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी खाद देंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना सके, जिसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो, क्योंकि प्रोटीन ऐसा मोलिक्यूल है जिसके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए उसको ऐसी खाद दी जाएगी, फर्टिलाइज़र दिया जाएगा जिसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि फर्टिलाइज़र ऐसा मटीरियल है जो हम किसी प्लांट को दें और उसे डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकें। एनी केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू प्लांट्स, के प्लांट्स को ज़रूरत होती है, फिर हम प्लांट्स को देते हैं, किस लिए, फ्रॉम विच वी कैन टेक डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से हम प्लांट्स के अंदर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकते हैं। ये था क्या चीज़, फर्टिलाइज़र। अब इसकी हमने इंपॉर्टेंस देखनी है और ये देखना है कि फर्टिलाइज़र्स होते किस किस तरह के हैं। पहले, सबसे पहले तो देखेंगे फर्टिलाइज़र्स की दो टाइप्स हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक की अलग इंपॉर्टेंस है और ऑर्गेनिक की अलग इंपॉर्टेंस है। पहले इनऑर्गेनिक देखें, इनऑर्गेनिक होते कौन कौन से, जो ज़्यादा मिकदार में देखते हैं हम, जो हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को या फसलें वगैरह को देते हैं, वो क्या है, रॉक फॉस्फेट। और रॉक फॉस्फेट होता है, ये पहाड़ वगैरह से ही मिल जाता है। और दूसरा एलिमेंटल सल्फ़र, ये भी सल्फ़र, और ये भी या फिर खुद तैयार किया जाता है, या फिर ये भी जो है पहाड़ वगैरह वहाँ से ही मिल जाता है। उसके बाद आगे जिप्सम, ये भी एक पत्थर है, ये भी पहाड़ से मिलता है, इसको पीस के ये प्लांट्स को दे दिया जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और वाटर भी क्या होता है, पोलर। तो इस वजह से ये वाटर के अंदर सोलबल होते हैं, वाटर सोलबल हैं, ठीक है, ये क्या है, वाटर सोलबल। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मेजर, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो फर्टिलाइज़र्स आते हैं, वो कौन से हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। ऐसे फर्टिलाइज़र्स जिनके अंदर नाइट्रोजन बुनियादी एलिमेंट होता है और नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, ठीक हो गया। या नाइट्रेट्स की शक्ल में हो जाते हैं, या नाइट्राइट्स के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ये सारे होते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। और ये दोनों जो हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये वाटर सोलबल हैं और बहुत अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल हो जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये दोनों, ये जो पाए जाते हैं, ये सारे के सारे वाटर सोलबल हैं और पोलर हैं, इसलिए वाटर सोलबल हैं। जब ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं बहुत जल्दी, रेडली डिजोल्व इन वाटर, ये बहुत जल्दी पानी के अंदर हल हो जाते हैं। पानी के अंदर हल होने के बाद जब प्लांट्स पानी को इनटेक करता है सॉइल के अंदर से, उसको हासिल अब्जॉर्ब करता है, तो पानी के साथ साथ ये जो फर्टिलाइज़र था, ये भी उसके साथ क्या होते हैं, बड़ी जल्दी जज़ब कर लिए जाते हैं, प्लांट्स इनको अपने बॉडी के अंदर समा लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक हो गया। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ये फ़ायदे थे कि ये वाटर सोलबल है, और वाटर सोलबल होने की वजह से प्लांट्स बड़ी जल्दी वाटर के साथ इसको अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेता है, और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपनी कमी पूरी कर लेते हैं, ये है इनऑर्गेनिक। उसके बाद अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हों, और ज़्यादातर ये वो वाले फर्टिलाइज़र्स हैं जो ऑर्गेनिक, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेस्ट होती है, या प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। अगर ये बात करें मैन्यूर एंड कंपोस्ट, तो मैन्यूर एंड कंपोस्ट ये क्या चीज़ है, ये गोबर जिसको कहते हैं एनिमल्स का वेस्ट, और दूसरी है कि जो प्लांट्स के अंदर से पत्ते गिरते हैं खजा के मौसम में, जो फॉल के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं येलो कलर के, वो होता है कंपोस्ट। वो क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है किसका, प्लांट्स का, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स उसे हासिल कर लेते हैं। उसके अंदर काफ़ी वेस्ट मटेरियल भी होता है, लेकिन ये है कि वो प्लांट्स को जब सॉइल वगैरह को दिया जाता है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया उसको तोड़ के इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि प्लांट्स उसको बड़ी जल्दी जज़्ब कर लें। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कहाँ से हासिल किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, एंड कंटेंस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स।
एक तो ये इनके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और तीसरी चीज़ इसकी क्या है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर हैं तो ये पानी के अंदर डिजोल्व बहुत कम होते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके होते हैं। इनके अंदर ज़्यादातर OH कंपाउंड OH ग्रुप पाए जाते हैं जिसकी वजह से हल हो जाते हैं पानी के अंदर। लेकिन यह कि पानी के अंदर हल होते हैं लेकिन बहुत देर बाद आहिस्ता आहिस्ता करके होते हैं। जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को प्रोवाइड देते हैं प्लांट्स को, तो ये प्लांट्स को काफ़ी देर बाद जाके मिलते हैं, ये काफ़ी देर तक वहाँ पर स्टे करते हैं, स्टोर करते हैं। तो अब इसमें और इसमें क्या चीज़ मेन बुनियादी फ़र्क हुआ कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हम तब प्रोवाइड करते हैं जब प्लांट्स को फौरी तौर पर ज़रूरत होती है किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट्स की। वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं ताकि वो फौरी तौर पर पानी के साथ उसको अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर दूसरी उसको ऐसे कंपाउंड्स की ज़रूरत है जो उसको वो फौरी ज़्यादा मिकदार में अगर हम देंगे तो उसको किसी वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं। इसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र टूटेगा, पानी में डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद फिर प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी देर लंबे अरसे के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे। ये लंबे अरसे तक पानी सॉइल के अंदर वहाँ पर रहता है। ठीक हो गया, ये थी हमारी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के बाद फर्टिलाइज़र्स के काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं, हैज़र्ड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो सॉइल के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। मैसिव इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी, कि जो मैसिव इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इसकी क्या इफेक्ट करता है सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी, कि जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी है कि सॉइल आपस में जुड़ के रहते हैं, वो इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो आपस में जुड़ के होल्ड नहीं कर सकते, या वाटर को या फिर अपने आप को जोड़ के नहीं रख सकते। ये कब होता है, जब मैसिव इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जब मैसिव मिकदार में हम उसको देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, तो क्या होता है उसके अंदर यूट्रोफिकेशन होना शुरू हो जाती है। अब यूट्रोफिकेशन क्या है, कि सिंपल के ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से किसी पानी वाली जगह पे, ठीक है, ये किसी पानी वाली जगह पे न्यूट्रिएंट्स चले जाएँ और वह काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किस्म के ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होने शुरू हो जाए। लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होने शुरू हो जाएंगे तो तब उसके बाद फिर जब वो सारे पानी के अंदर पाए जाने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सारे को वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब्जॉर्ब करने के बाद वो जहाँ पर जो नीचे ज़मीन के अंदर जो मछली वगैरह पाई जाती है या और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उनको क्या होगा, सही तरह वो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकेंगे, वो क्या हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी। तो ये क्या है कि इसके अंदर वो फिर काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसको इस अमल को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक हो गया। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अगर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एक किसी जगह पर स्टोर करके रखें तो उसका क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड की ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। और जब नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होकर बारिश के साथ मिलते हैं पानी के साथ, तो तब क्या होता है, तब एसिड रेन होती है। तो ये भी प्लांट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए और बिल्डिंग्स वगैरह के लिए एसिड रेन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर आ गया अमोनियम। इसी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के अंदर से अमोनिया भी रिलीज़ होती है, एमिट होती है। जब अमोनिया एमिट होती है तो ये क्या काम करती है, ये सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है, उसकी पीएच को लो कर देती है, उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है। और जब पीएच ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो जो प्लांट्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं वो सही तरह काम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्लांट्स को दिए जाएँ या सॉइल के अंदर पाए जाएँ, तो वही चीज़ जो मैंने यूट्रोफिकेशन वाला बताया, तो यही चीज़ ये वाटर में होती थी, ये क्या सॉइल के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पेस्ट वगैरह और जड़ी बूटियाँ वगैरह और ऐसे प्लांट्स वगैरह उगने लग जाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो उगेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए, जो फसल वगैरह को चाहिए, बाकी क्रॉप्स को चाहिए, वो पेस्ट उसको हासिल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। और इसके बाद अगर हमने इन चीज़ों से बचना है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान ना हो, तो हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि कभी जब भी फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करना है किसी सॉइल के अंदर, उसके प्लांट्स के अंदर, तो उसके अंदर हमें कैलकुलेशन लाजमी करनी है कि अगर इतने प्लांट्स हैं और इनको इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो हम कितनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देंगे तो उसको उनकी कमी पूरी हो जाएगी, ना वो ज़्यादा हो और ना वो कम हो। ठीक है, एक्सेसिव ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स
अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी एक्सेसिव मिकदार में हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो जाए, तो उसका भी क्या होता है, नाइट्रेट्स लीचिंग होना शुरू हो जाते हैं। नाइट्रेट्स लीचिंग क्या है कि जो नाइट्रेट्स कंपाउंड सॉइल में मौजूद हैं वो जब पानी आएगा ऊपर से बारिश की वजह से, तो बारिश उनको नाइट्रेट्स कंपाउंड्स को बहा के अपने साथ ले जाएगा, एक चीज़। या फिर रन ऑफ सोलबल कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर सोलबल कंपाउंड्स है किसके साथ अटैच हैं, जब पानी के साथ वो सोलबल होंगे तो तब भी वो पानी के साथ बह के दूर चले जाएंगे। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्यों होता है, क्योंकि ये है कि काफ़ी देर तक सॉइल में पड़े रहते हैं, पड़े रहने की वजह से जब अगर अब्जॉर्ब नहीं से इतना वाटर कर पाता, काफ़ी देर लगाता है, तो तब ये पानी के साथ बह के आगे चले जाते हैं और प्लांट्स को सही तरह नहीं मिल पाते। ये था हमारा क्या चीज़, फर्टिलाइजर्स। हमने इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर भी पढ़ा, उसके इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स भी पढ़े, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।